सो हे गाइस, स्वागत है आपका आयुर्वेदिक जानकारी में ही। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, कई सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो बताते हैं बार बार हेडेक होना। अब कई प्रकार के हेडेक देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सामने की तरफ होना, ये इस तरफ होना, एक ही तरफ होना, ये बैक की साइड होता है। तो क्यों होता है सर दर्द, क्या होते हैं सर दर्द, और क्या इसमें आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, सर दर्द होने के कई सारे रीज़न होते हैं, कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, या किसी थकावट की वजह से हो सकता है, साइनस की प्रॉब्लम हो जाना, या कई सारे और भी कॉम्प्लीमेंट कंडीशन होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो दो कारण ही होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोचना, या बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, या फिर किसी वजह से घर में किसी वजह से तनाव, लड़ाई झगड़े वगैरह, तो ये चीज़ें भी अधिकतर देखने को मिलता है, जिसमें आदमी ज़्यादा से ज़्यादा सोचता रहता है और उसको हेडेक होना बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब हेडेक किस तरीके से होता है, अगर हाफ हेडेक हो रहा है तो आप किस तरीके समझ सकते हैं, जैसे कि अगर एक ही तरफ हो रहा है तो वो माइग्रेन का दर्द होता है, अगर आपके इस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, या फिर साइड की तरफ हो रहा है, डाइजेशन रिलेटिव प्रॉब्लम है, यानी पेट का आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तीसरा कंडीशन आता है, अगर आपके सामने की तरफ हो रहा है और इस तरफ हो रहा है, तो वो साइनस की प्रॉब्लम है, यानी साइनेस्टिक दिक्कत की प्रॉब्लम है। अगर आपके बैक की तरफ हो रहा है, इस तरफ पीछे की तरफ हो रहा है, तो वो होता है टेंशन की वजह से, या स्ट्रेस के लेवल की वजह से, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो उसकी वजह से ये चीज़ें होती। तो इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है आपके हेडेक को, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है, लेकिन इस सभी कामों में तो होते एक ही आयुर्वेदिक मेडिसिन आएगी जो बेस्ट काम करेगी। अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, जो आती है अश्वगंधा टैबलेट। अश्वगंधा आपको टैबलेट के रूप में, चूर्ण के रूप में इजीली मिल जाएगा, साथ ही साथ लिक्विड के फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाता है। अब टैबलेट मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ईजी टू यूज़ हो जाता है, कई लोग चूर्ण और सिरप को लेना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा कड़वापन देखने को मिल जाता है, तो आप ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। हिमालय फार्मा की तरफ से आती है अश्वगंधा टैबलेट, काफ़ी सही टैबलेट है, और आपको एक टैबलेट में लगभग 250 mg अश्वगंधी देखने को मिल जाता है। 60 टैबलेट मिलती है, 200 रुपये का ये देखने को मिल जाता है, यानी 30 दिन का कोर्स होता है, ये देखने को मिल जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेन टेंशन में रहता है, स्ट्रेस थकावट ऐसी कंडीशनें हो जाती है, तो आप इसको डेली के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको नुकसान देखने को नहीं मिलता है। अब गाइस, इसमें अश्वगंधा ही क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, एंटी इम्यूनिटेशन गुण पाए जाते हैं, साथ ही साथ ये ब्रेन को भी अच्छा रखता है, शांत कर देता है, आपकी जो नसें हो जाती है। लेकिन जो माइग्रेन का दर्द होता है या हेडेक होता है, तो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर एक कॉजेज नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब नशे जो होती है किसी वजह से बहुत ज़्यादा आप सोचने लग जाते हैं, तो नशे ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, तो ये उन पे काम करता है बेसिकली, आपके माइंड की नशे सेल्स को वो ख़त्म कर देता है या शांत कर देता है, जिसकी वजह से आपको दर्द वगैरह होना बंद हो जाता है। तो आपको इसको थोड़ा कंटिन्यू रखना पड़ेगा। बेसिकली अश्वगंधा के कई सारे फायदे होते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए होता है, आपका फैट बर्नर होता है, स्ट्रेस रखता है आपके दूर को, साथ ही कई प्रकार के और भी कंडीशनों में यूज़ किया जाता है, इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। हेल्थ वर्धक भी होता है, कई लोग इसको सेक्सुअली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो गाइस, ये था कुछ अश्वगंधा या कहें तो माइग्रेन के लिए बेस्ट टैबलेट के बारे में। इसको लेने का तरीका क्या है दोस्तों, आपने इसको कंटिन्यूसली यूज़ करना है, एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, और एक हफ्ते में आपको इसका असर जो होगा वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी माइग्रेन या स्ट्रेस या टेंशन की जो दर्द वगैरह हो जाता है, हेडेक वगैरह हो जाता है, तो उसको समाप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा लूँगी शेयर करें वीडियो को, बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।